दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अगेन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की विशेष वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि कितने एएच बैटरी पर कितने वाट का पैनल लगाना चाहिए, या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई पैनल है जितने भी वाट का है, ठीक है, तो उस पर हम कितने वाट के पैनल पर कितने एएच की बैटरी लगा सकते हैं, ये बेसिकली इस वीडियो में बात करूंगा। तो आइए वीडियो को देखते हैं। तो दोस्तों समझते हैं, देखिए बहुत सीधी सी कैलकुलेशन बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स बता रहा हूँ, कोई डाउट नहीं है और ठीक है, कोई सब कुछ क्लियर है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कोई बहुत सोलर सिस्टम का एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है। मैं भी अभी सोलर सिस्टम पर थोड़ा बहुत काम करना सीखा हूँ और बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ बेसिक्स काफ़ी अच्छे से क्लियर हैं, तभी मैं आप लोग को थोड़ी बहुत जानकारी अच्छे तरीके से दे पाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, ये जितनी भी अब मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ, ये केवल अभी उसी के लिए है जितने बता रहा हूँ कि आप लोग को केवल और केवल पैनल से बैटरी चार्ज करनी है, आप उसके साथ साथ लोड नहीं चला रहे हैं तब ये कैलकुलेशन सीमित है, ठीक। अब देखिए, छोटे शुरुआत करता हूँ। 7 AH की बैटरी मेरे पास अवेलेबल है, 7 AH की बैटरी मेरे पास अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो मोनोक्रिस्टलाइन पैनल हो या फिर पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल हो, ठीक है, और कोई भी पैनल हो, बैटरी के एएच का आप डबल वॉट का ले लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छा काम करेगा। जैसे कि 7 AH की बैटरी है, तो यानी इसको लगभग 15 वॉट का मिनिमम सोलर पैनल चाहिए, ठीक है। 7 AH की है तो आप 15 वॉट का ले लीजिए मिनिमम, नहीं तो 20 वॉट का ले लीजिए, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद आते हैं, ये 32 AH यानी 32 AH की बैटरी है, ठीक है, तो इसका 32 का डबल यानी 64, ठीक है, तो आप इस पर 70 वॉट का सोलर पैनल लगा सकते हैं। मोनोक्रिस्टलाइन लगा लीजिए चाहे पॉलीक्रिस्टलाइन लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। डबल लगाएंगे, समझ रहे हैं आप कि बैटरी की एएच से डबल वॉट का पैनल लगाएंगे, तो मोनो लगा लीजिए, पॉली लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बताऊंगा क्या क्या चीज़ सीखने की है। उसके बाद अगर ये देखिए 16 से 20 AH की बैटरी है, ठीक है, तो मान के चलते हैं 20 AH की बैटरी है, तो 20 AH की बैटरी यानी कि आप समझ सकते हैं 20 का डबल यानी 40, या फिर हम कह सकते हैं 50, मिनिमम 40 वॉट का पैनल इसको चाहिए, ठीक है। इस तरीके से मेरी जो कैलकुलेशन है मैं करता हूँ और अभी तक परफेक्ट बैठी है, ठीक है। 32 AH की बैटरी जैसे मेरी मान लीजिए आप, ठीक है, तो मैंने जो अभी ऊपर मेरे पास पैनल है वो एक पॉलीक्रिस्टलाइन 40 वॉट का है, मोनोक्रिस्टलाइन 50 वॉट, टोटल मिला के लगभग 90 वॉट जाते हैं, 90 वॉट, और एम्पियर लगभग 3 एम्पियर आते हैं, तो हो जाती है आराम से, 3 के ऊपर ही आते हैं, 3.2 3.25, तो फुल चार्ज हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए मैं इन चीज़ बताता हूँ, ये सारी कैलकुलेशन मैंने आप लोगों को बताई है कि जब हमें सिर्फ और सिर्फ बैटरी चार्ज करनी है। अब मान लीजिए आप लोगों को कि साथ तो इसके चार्जिंग के बैटरी के चार्जिंग के साथ आपको लोड भी चलाना है, तो लोड के एम्पियर के हिसाब से आपको पैनल और ज़्यादा बढ़ाते जाने हैं, ठीक है। अब देखिए मैं समझाता हूँ आपको, मान लीजिए इस बैटरी से समझाता हूँ कि इस बैटरी पर मैंने 90 वॉट लगा रखे हैं पैनल, ठीक है, तो यह मान लीजिए 70 वॉट का पैनल मैंने इस बैटरी पर लगा रखा है। अब मैं इससे लोड चलाता हूँ 1-2 एम्पियर का और, ठीक है, तो लगभग मुझे जो है 1-2 एम्पियर का लोड बढ़ाने के लिए, इसका मतलब है मेरे को यहाँ पर मुझे 40 वाट का पैनल और ऐड कराना पड़ेगा, तो यानी 70 + 4, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर हो गया 110, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेशन करना है कि अगर बैटरी से केवल बैटरी चार्ज करनी है तो आप बैटरी एएच का डबल वॉट का पैनल लेंगे, ठीक है। 35 AH के लिए आप 70 वॉट का मिनिमम ले सकते हैं, 150 AH की बैटरी के लिए यानी 150 AH की बैटरी के लिए आप 300 वॉट प्लस का पैनल ले सकते हैं, और उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, मिनिमम बता रहा हूँ आप लोग को रेंज, ठीक है। और अगर आप लोग पैनल के साथ MPPT कंट्रोलर यानी मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रांसफर कंट्रोलर यूज कर रहे हैं, तो आप लोग को जो है बहुत अच्छी इफिशियंसी मिल जाएगी, यानी कि कम टाइम में बैटरी चार्ज हो जाएगी, क्योंकि वह एम्पियर को आउटपुट एम्पियर को बढ़ा देता है, तो एक तो चीज़ ये हो गई। उसके बाद पॉलीक्रिस्टलाइन यूज़ कर रहे हैं पैनल, तो हो सकता है कि आप लोग को जो ये मैंने आपको वैल्यू बताई है इससे थोड़ा सा मार्जिन ऊपर लेकर के चलें, ठीक है। जैसे कि 35 का डबल 70 होगा, आप समझ सकते हैं 35 का डबल अगर 70 बैठ रहा है तो थोड़ा सा बढ़ा के लें, उसको अपग्रेड करके लें, थोड़ा बहुत ही अंतर आएगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, और ये कैलकुलेशन एकदम सटीक बैठेगी। मैंने बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर लोगों ने इसी कैलकुलेशन के हिसाब से बैटरी को सेटअप किया है, ठीक है। तो एक बार और जल्दी से समझाने चाहता हूँ, 7 AH की मान लीजिए UPS की बैटरी है, ठीक है, तो 20 वाट का पैनल अनफ है केवल बैटरी को चार्ज करने के लिए, लोड नहीं ले रहे हैं तो, ठीक है। 35 AH 32 AH की बैटरी पर जो है 70 वाट का पैनल काफ़ी है अगर सिर्फ बैटरी चार्ज कर रहे हैं। 20 AH की बैटरी पर 40 से 50 वाट लगा सकते हैं केवल अगर बैटरी चार्ज कर रहे हैं, बाकी लोड के एम्पेयर के हिसाब से
अगर लोड के एम्पियर जैसे 2 एम्पियर हैं तो 40 वाट जोड़ दीजिए, 4 एम्पियर हैं तो आप 80 वाट का पैनल और जोड़ दीजिए पैनल में, उसी हिसाब से जोड़ते जाइए। तो ये बेसिक कैलकुलेशन है, एकदम क्लियर है, सटीक है, अप्लाई करके देखिए। और इस तरह से दोस्तों वीडियो है, प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है।